2017 के जो आम आदमी पार्टी पहली बार पंजाब विधानसभा की इलेक्शन लड़ रही थी उस समय बीजेपी अकाली दल आरएसएस और कांग्रेस पार्टी इन सारे ने इकट्ठे होकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ी। ये नहीं चाहते, अकाली दल नहीं चाहता, कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती, आरएसएस नहीं चाहती, बीजेपी नहीं चाहती कि पंजाब दे विच पंजाब दे लोग अच्छी पढ़ाई प्राप्त कर सकन। ये सारिया पार्टियां इकट्ठिया होकर इन्होंने पंजाब दे विच कैप्टन साहब को जिताया, कांग्रेस पार्टी ने जिताया। ये कल अधूरा सच जिहड़ा हैगा सुखबीर सिंह बादल ने बोलिया गया जे आ कि लोग सुखबीर सिंह बादल उस गठजोड़ का उस नापाक गठजोड़ का आर्कीटेक्ट सीगा। सुखबीर सिंह बादल नूं पता सीगा कि साडी पार्टी का श्रोमणी अकाली दल का पंजाब सफाया होना तय आ। सो उस एक रणनीति के तहत इन्होंने कैप्टन साहब नूं पंजाब प्रोजेक्ट किया। कली कली वोट चाहे वो अकाली दल की सीगी, आरएसएस की सीगी, बीजेपी की सी, सारिया वोटां इन्होंने दिन रात 24 घंटे काम करके कांग्रेस पार्टी के हक के कन्वर्ट कराइया। 2022 की इलेक्शन के एक बार फिर ये नापाक गठजोड़ होने जा रहा है। ये गठजोड़ जिहदी अगवाई इस बार चरणजीत सिंह चन्नी जी कर रहे हैं, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल अज भी पता गा श्रोमणी अकाली दल अज भी किसी मुकाबले के है नहीं। श्रोमणी अकाली दल अज भी पंजाब का कोई बच्चा मूँह नहीं ला रहा है, हर जगह पर श्रोमणी अकाली दल का विरोध हो रहा। अकाली दल ने बीजेपी ने पहला अकाली दल ने 2015 के जो अकाली दल का राज से पंजाब गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी इन्हों के हिस्से आई, पंथ के नाम से वोटा लैन वाली पार्टी ने पंथ की पिठ के छुरा मारिया। और जो सेंटर के अकाली दल तो बीजेपी की सांझी सरकार सी उस समय तीन काले कानून जो लिखे गए वो अकाली दल तो बीजेपी की सहमति जरा लिखे गए। मेरे नाल ने सरदार जगतार सिंह संघेड़ा जी, कुविंदर मित्तल जी। कल पंजाब के सबका डिप्टी मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल जिहड़े कि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान ने, कल उन्होंने अधूरा सच बोलिया कि 2017 के जो आम आदमी पार्टी पहली बार पंजाब विधानसभा की इलेक्शन लड़ रही थी उस समय बीजेपी अकाली दल आरएसएस और कांग्रेस पार्टी इन सारिया ने इकट्ठे होकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ी। ये सच आ, ये सारिया रवायती पार्टियां उस समय आम आदमी पार्टी की चढ़त तो बुखलाहट के आके इकट्ठे होकर इन्होंने इलेक्शन लड़ी, क्योंकि ये नहीं चाहते, अकाली दल नहीं चाहता, कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती, आरएसएस नहीं चाहती, बीजेपी नहीं चाहती कि पंजाब दे विच पंजाब दे लोग अच्छी पढ़ाई प्राप्त कर सकन, पंजाब दे लोग अच्छा जिहड़ा हैगा सेहत सहूलत प्राप्त कर सकन, पंजाब जिहड़ा हैगा करप्शन रहित सूबा बन सके, पंजाब दे नौजवान नूं पंजाब च रुजगार मिल सके, पंजाब दा किसान अपनी तरक्की कर सके। ये सब कुछ नूं रोकण दे लई, ये सारे कुछ नूं रोकण दे लई बीजेपी अकाली दल कांग्रेस पार्टी ने एक अनैतक गठजोड़ किया, और उस गठजोड़ के तहत ये सारिया पार्टियां इकट्ठिया होकर इन्होंने पंजाब दे विच कैप्टन साहब नूं जिताया, कांग्रेस पार्टी नूं जिताया। ये कल अधूरा सच जिहड़ा हैगा सुखबीर सिंह बादल ने बोलिया गया। सच ये आ, पंजाब दे लोकां नूं दसना चाहुंदे आ, सच ये आ कि लोग सुखबीर सिंह बादल उस गठजोड़ का उस नापाक गठजोड़ का आर्कीटेक्ट सीगा। वो गठजोड़ जिहड़ा हैगा सीगा सुखबीर सिंह बादल ने कराया सीगा। सुखबीर सिंह बादल नूं पता सीगा कि साडी पार्टी का श्रोमणी अकाली दल का पंजाब सफाया होना तय आ। सो उस एक रणनीति के तहत इन्होंने कैप्टन साहब नूं पंजाब च प्रोजेक्ट किया। कली कली वोट चाहे वो अकाली दल की सीगी, आरएसएस की सीगी, बीजेपी की सी, सारिया वोटां इन्होंने दिन रात 24 घंटे काम करके कांग्रेस पार्टी के हक के कन्वर्ट कराइया। ये गल पंजाब के लोगों को पता गा, क्योंकि जदों कैप्टन साहब लंबी दे जाके प्रकाश सिंह बादल नूं जिताउण गए सीगे, उस तरीके रवनीत सिंह बिट्टू जी जलालाबाद दे विच सुखबीर सिंह बादल नूं जिताउण गए सीगे। एक सांझी रणनीति सीगी कि तुसीं साडे खिलाफ़ कमजोर कैंडिडेट खड़े करो, असीं तुहाडे खिलाफ़ कमजोर कैंडिडेट खड़े करदे हां।
ये रणनीति के तहत उस समय अकाली दल के खिलाफ कैप्टन साहब प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ उतरे और उस तरह रवनीत बिट्टू जी जलालाबाद के सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ उतरे क्योंकि इन्हां दी रणनीति सी कि पंजाब आम आदमी पार्टी को किवें रुकिया जा सके। भरावो असीं पंजाब के लोगों को तुहाडे जरिए सुचेत करना चाहते हैं कि 2022 की इलैक्शन बड़ी नेड़े आ चुकी आ। 2022 की इलैक्शन के 2022 की इलैक्शन के एक बार फिर ये नापाक गठजोड़ होने जा रहा है। ये गठजोड़ जिहदी अगवाई इस बार चरणजीत सिंह चन्नी जी कर रहे हैं क्योंकि श्रोमणी अकाली दल अज भी पता गा श्रोमणी अकाली दल अज भी किसी मुकाबले के है नहीं। श्रोमणी अकाली दल अज भी पंजाब का कोई बच्चा मूँह नहीं ला रहा है। हर जगह पर श्रोमणी अकाली दल का विरोध हो रहा, बीजेपी का विरोध हो रहा, कांग्रेस पार्टी का विरोध हो रहा। इस गल करके तिने पार्टियां एक बार फिर कट्ठिया हो असी तुहानू पंजाब दे लोगों नूं अगाह करना चाहते हैं क्योंकि अकाली दल ने बीजेपी ने पहला अकाली दल ने 2015 के जो अकाली दल का राज सी पंजाब गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी इन्हां दे हिस्से आई। पंथ के नाँ पर वोटां लैण वाली पार्टी ने पंथ की पिट दे विच छुरा मारिया और जदों सेंटर दे विच अकाली दल ते बीजेपी की सांझी सरकार सी उस समय तीन काले कानून जिहड़े लिखे गए वह अकाली दल ते बीजेपी की सहमति दे नाल लिखे गए। अज पंजाब के बच्चे नूं पता गा कि अकाली दल बीजेपी पंथ के नाँ पर वोटां लैके पंथ की पिट दे विच छुरा मारिया, किसान के नाँ पर वोटां लैके किसान की पिट दे विच छुरा मारिया। अज ये गल पंजाब के बच्चे नूं जाणू ने बच्चा जाणदा गा कि पंजाब विच ये पार्टियां ने पंजाब के लोगों का वड्डी पद्धर ते नुकसान किया गा। और दूजे पासे कांग्रेस पार्टी आ, साढ़े चार साल कांग्रेस पार्टी ने कैप्टन साहब की अगवाई दे विच एक भी काम नहीं किया, एक भी डक्का नहीं तोड़ के दूरा किया। जिन्हें वादे किए थे कि किसान का कर्जा माफ़ कर देंगे कोई कर्जा माफ़ नहीं होया, कर का रुजगार दे देंगे कोई रुजगार नहीं मिलिया, पंजाब के दलित लोगों जड़ियां समस्यावां ने हल करके सहूलत दुगड़ियां दे देंगे एक भी सहूलत नहीं मिली, पंजाब में मुलाजमान को डीए दे किस्तां दे देंगे कोई किस्त नहीं मिली, पंजाब में कच्चे मुलाजमान को पक्के कर देंगे कोई मुलाजम पक्का नहीं होया, पंजाब में बेरोजगारी खत्म कर देंगे एक भी बेरोजगारी खत्म नहीं हुई। मेरा कहने का भाव आ जिन्हें वादे करके कांग्रेस पार्टी 2017 सत्ता में आई सी साढ़े चार साल उन्हां मसलों के उत्ते उन्हां मुद्दों के उत्ते कांग्रेस पार्टी ने एक भी काम नहीं किया। हुण जिस तरह बीजेपी अपने मुख्यमंत्री बदल रही आ उस स्ट्रैटजी के अधीन के उत्ते कांग्रेस पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बदल के नवा मुख्यमंत्री लाया गा। ये मुख्यमंत्री ऐलान कर रहा जस्ट ये तो ग्राउंड से कुछ नहीं होना है, ग्राउंड से कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं होनी किसी स्कीम की, ये सिर्फ तो सिर्फ ऐलान करने वाला मुख्यमंत्री साबित होगा। सो वीरो एक बार फिर अकाली दल बीजेपी कांग्रेस पार्टी एक बार गठजोड़ करनगे और गठजोड़ करके तुहाडे चाहणगे। इस बार पंजाब के लोग इकट्ठे रहन, पंजाब के लोग सुचेत रहन क्योंकि ये नापाक गठजोड़ होने जा रहा है। ये 2017 में भी होया सीगा और 2022 भी होने जा रहा है। सो सारे पंजाबियों नूं साडी बेनती आ कि इकट्ठे हो जाओ। ये नहीं चाहते कि पंजाब दे विच अकाली दल नहीं चाहता, कांग्रेस नहीं चाहती, बीजेपी नहीं चाहती, आरएसएस नहीं चाहती कि पंजाब का नौजवान पंजाब च रुजगार प्राप्त कर सके। ये नहीं चाहते कि पंजाब का किसान खुदकशियां करनों खत्म हो जाए, पंजाब का किसान खुदकशियां बंद कर दे। ये नहीं चाहते कि पंजाब विच अच्छी एजुकेशन, अच्छी तामील, अच्छी सिक्ख्या हो, नहीं चाहते कि पंजाब विच सेहत सेवावां अच्छियां हो जाण। इस गल करके भरावो तुहाडियां सारियां सहूलतां तों तुहानूं बांझे रखण दे लई एक बार फिर अकाली दल बीजेपी कांग्रेस पार्टी का गठजोड़ होने जा रहा है। सो तुसीं सारे सुचेत रहो क्योंकि इन्हां लोगों ने इकट्ठे होकर 2017 दे विच एक मोड़ दे विच बंब धमाका करवाया सीगा। तुहानूं पता होना कि 2017 दे विच इक मोड़ दे विच बंब धमाका होया सीगा, वह भी इन्हां सारियां पार्टियां की पैदाइश सीगा। ताही हुण तक 5 साल का समा बीतन जा रहा है, एक भी दोषी फड़िया नहीं गया क्योंकि सारियां पार्टियां एकजुट सियां, सारियां पार्टियां पंजाब का माहौल खराब करके पंजाब में दहशत फैला के पंजाब में वोटां लुटनियां चाहुंदियां सीगियां। इसे गल करके उन्होंने माहौल दे विच लोगों को डराया भी, लोगों दीआं वोटां भी लईआं और साढ़े चार साल सारे मुद्दों के उत्ते कांग्रेस पार्टी का, अकाली दल का, बीजेपी का मूँह बंद रहा है। सो असी तुहानू सुचेत करन लई अज दी जिहड़ी है प्रैस कॉन्फ्रेंस की है। धन्यवाद जी। जीवन साहब तुसीं सुखबीर सिंह बादल का जिक्र किया, सुखबीर सिंह बादल कहिंदे ने भी जिहड़ी बीजेपी भी है और कांग्रेस भी है और आम आदमी पार्टी है, तिन्ने सेंटर दीआं नैशनल पार्टियां ने और जो इन्हां नूं हुक्म आउंदे ने
उत्थों केंद्र तो आते हैं और अपनी साड़ी श्रोमणी अकाली दल कल्ली कल्ली पार्टी है जिहड़ी पंजाब दे लोकां दी और पंजाब दे हितां दे लई जिहड़ी आ फैसले करदी और वह फैसले असी आप करते हैं। जिस करके तुसीं दिल्ली तो फैसलों नूं देखदे हो, उहदे बारे तुहाडा की विचार? देखो, आम आदमी पार्टी नैशनल पार्टी है, कोई शक नहीं। आम आदमी पार्टी के जिन्हें भी फैसले होंगे ने गे, खास करके नैशनल फैसले साड़ी नैशनल टीम लैंदी है, पंजाब के फैसले ने साड़ी पंजाब की टीम लैंदी है। आम आदमी पार्टी नैशनल पार्टी और दूजे पासे अकाली दल का करैक्टर तो लोगों को पता गा कि अकाली दल तो बीजेपी की भी टीम आ। अकाली दल तो जिस तरह बीजेपी काम करता सेंटर के तीन काले कानून बनाए, अकाली दल ने चूं तक नहीं की। अकाली दल लगातार डिफेंड करता रहा। अकाली दल तो बिल्कुल मैं समझदा बोल नहीं सकता गा, बच्चे बच्चे को पता गा कि श्रोमणी अकाली दल को बीजेपी चलाउंदी आ, आर एस एस चलाउंदी आ। और अज बीजेपी का हथ ठोका बन के सुखबीर सिंह बादल इस तरह दी गल्लां कर रहा। अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के लोगों की पहली पसंद ने, पंजाब के लोगों के दिलों की धड़कन ने गे और पंजाब के लोग बेतहाशा प्यार जिहड़ा हैगा अरविंद केजरीवाल जी नूं कर देणगे। सुखबीर अपना सुखपाल सिंह खहरा नूं मैं पुछना चाहुंदा गा जिहड़ी पार्टी दे विच हुण गए ने गे कि उस पार्टी का मुखी जिहड़ा हैगा उह प्लस तो आउंदा गा कि उस पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी जी की उस जलंधर तो आते हैं। सोना की भी नैशनल पार्टी है, उन्होंने पहला अपनी पीढ़ी थले सोटा फेरना चाहिए। आम आदमी पार्टी अच्छ पंजाब के लोगों दिलों की धड़कन बन चुकी है और आम आदमी पार्टी तो जी चढ़ तो बुखलाहट में आके इस तरह के जोड़े घटिया दोष ला रहे हैं। एक सर जिहड़ा सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि बहुत सारे थावां ते जिहड़ियां कि जमीनां दबीआं जा रहीआं ने कांग्रेस दे आगूआं वल्लों, तां उस नूं लै के कहिंदे कि जदों साडी सरकार आ गई तां असीं इक कमिशन बणावांगे अते जो वी जमीनां दब रहे ने उहनां नूं जिहड़ा कि अंदर करांगे। सब तो पहला पंजाब विच लैंड माफिया, सैण माफिया, ये सारा माफिया सब तो पहला पंजाब विच श्रोमणी अकाली दल ते बीजेपी की देण आ। ये जिहड़ा लैंड माफिया हैगा इहदी इहनूं पैदा किने कीता गया, पंजाब के बच्चे बच्चे नूं पता गया कि इहनूं पैदा जिहड़ा हैगा श्रोमणी अकाली दल ने किया गया। और 2017 दे विच कांग्रेस पार्टी ने लोगों के नाल वादा किया सीगा कि असीं इह माफिया खत्म करांगे, पर लेकिन अफसोस वह माफिया जिहड़ा अज लगातार 5 साल तक हो गया, अज पूरा उस तरह चल रहा जिवें सुखबीर सिंह बादल चलाउंदे सीगे। जिन्नी फसल जिहड़ी फसल झोने की फसल मंडियां च आ गई, सरकार नूं चाहीदा कि तुरंत उस फसल की खरीद करे और दूजा बारिश करके जिथे तरपालों का प्रबंध है तरपालों का प्रबंध करे। और खास करके जिहड़ी फसल हजे कट्टी नहीं गई, जिहड़ी झोने की फसल हजे खेतों के विच खड़ी आ, उस फसल का तुरंत वो गिरदावरी करवा के उस फसल की तुरंत किसान जो है ढुकवा मुआवजा 100% मुआवजा सरकार तुरंत ऐलान करे। एक सर 100 दिन का रोड मैप बनाया गया चरणजीत सिंह चन्नीहरा वालों कि 100 दिन के रोड मैप के सारे काम करा, 30 दिन का समा लगभग हो गया, की लगता है कि जे अगले 70-60 दिन रह गए इस 30 दिन की कार्यकारी मानते हो कि सही रही है? जो देखो 30 दिन के चन्नी साहब जोड़े है अपने हनीमून पीरियड के बाहर नहीं आए हजे तक, वो हजे तक सिर्फ तो सिर्फ लोगों को मिलते हैं, हजे तक ऐलान बाकी हो रहे हैं। ऐलान तो सिवाए पंजाब कोई भी स्कीम पंजाब इंप्लीमेंट नहीं हुई हैगी। चरणजीत सिंह चन्नी मैं समझदा कि ऐलान करने वाले मुख्यमंत्री साबित होंगे, क्योंकि 30 दिन के कोई भी रोड मैप कांग्रेस पार्टी ने पंजाब के लोगों को नहीं दिता है, जस्ट यह मीटिंगों के उलझे हुए हैं। हजे तक तो इन्हों तो अपनी और उस आलम ही जी उ नहीं सैट आ रही, हजे तक तो इन्हों तो पुराने किए हुए अपने पाप कर्म उही सैट नहीं आ रहे और लगातार मैं समझदा ये अपने पुराने कर्मों के उलझे हुए हैं, पुराने किए हुए पापों के उलझे हुए हैं। बच्चे बच्चे को पता गा कि 4.5 साल पंजाब सरकार कांग्रेस पार्टी जी सरकार कि निकम्मी तो कि निखित साबित हुई है। हजे जिन्ना मर्जी है पुरानी अपनी नाकामियां पर्दा पालन, पंजाब के लोगों को पता गा कि कांग्रेस पार्टी ने जिन्हें वादे 2017 च किए थे उन्होंने चो एक भी वादा पूरा नहीं किया। अज्ज सर जे गल की रूसा वालम की, तो अच्छ जे आनंदपुर साहब तो लोग सभा मैंबर ने कांग्रेस पार्टी के उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि इस पार्टी के योजा काट कलाश कलेष जो कि पहली बार देखे जितने पंजाब के मुद्दों की गल करनी है, तो उत्थे जोड़ा कि रूसा आलम लैके गलबात हो रही है कि रूसा आलम कैप्टन अमरिंदर सिंह होंगे सन, दूजे पास दोष लगते हैं सुखजिंदर रंधावा से, तुम उदो क्यों नहीं बोले? कि लगता है जो लोग सभा मैंबर ने उन्होंने वालों एक योजा ट्वीट करना कि ना कि पार्टी के हलचल बढ़ूगी? देखो कांग्रेस पार्टी के जी सत्ता की लड़ाई है वह शिखर पर पहुँच चुकी है, बेशक इन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, पर लेकिन अजे लड़ाई खत्म नहीं हुई। इस लड़ाई ने पंजाब के लोगों का वड्डी पद्धर से नुकसान किया गया,
क्योंकि पिछले लगभग डेढ़ साल तो कांग्रेस पार्टी में काटोकले चल रहा गा। कांग्रेस की इस अंदरूनी लड़ाई ने पंजाब के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान किया गा। अज पंजाब का किसान अपनी कर्जा माफ़ी की वेट कर रहा गा। अज पंजाब का नौजवान अपने घर घर रुजगार की वेट कर रहा गा। अज पंजाब के दलित लोग अपन स्कीमों की वेट कर रहे हैं। अज पंजाब का व्यापारी पंजाब का मुलाजम अपन अपन राहत वाली स्कीमों की वेट कर रहा गा। पर लेकिन दूजे पास कांग्रेस पार्टी के नवजोत सिंह सिद्धू आप कुर्सी पिछे भज रहे हैं और चन्नी साहब कुर्सी मिल चुकी हैगी। सारे अज कुर्सी के पिछे दौड़ रहे हैं। इन्हों पंजाब के मामलों की कोई सुध बुध नहीं। साडा हर एक प्रोग्राम देखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बैल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।